हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस CUCET के यूट्यूब चैनल पे। तो शुरुआत करेंगे, हमारी ये जो क्लास है ये बेस्ड है करंट अफेयर्स पे और आप सभी को पता है और आपने जैसे देखा भी है कि CUCET के पार्ट ए के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो पार्ट अदा करेगा वो करेगा आपका करंट अफेयर्स। तो हमारे सेशन के अंदर हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग दिस करंट अफेयर्स सेशन फ्रॉम दी नवंबर 2021। तो हमारी ये जो YouTube वाली सीरीज होगी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपको हर मंथ के करंट अफेयर्स को 3 से 4 पार्ट के अंदर कराऊंगा सो दैट के आपके लिए भी इजी रहे और आपको अगर लास्ट में या फिर एग्जाम के टाइम पर अपने करंट अफेयर को रिवीजन करना हो तो आप भी अनअकैडमी के इस CUCET के YouTube चैनल पर आए और वहां से अपनी वीडियोज को एक्सेस कर पाए। मैं एक बार बस फटाफट से देख लेता हूँ कि हम लाइव हैं या नहीं एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, चलिए फिर ठीक है शुरू करते हैं। और आपके सामने थोड़ी सी मैं अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ कि माय नेम इज रॉबिन और आई एम सिलेक्टेड एज द ऑडिटर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके अलावा SSC CGL और CHSL जैसे कुछ एग्जामिनेशंस मैंने क्लियर किए हैं आपकी कैटेगरी के अंदर। मैं GS पढ़ाता हूँ, आई हैव मोर देन 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। इसके अलावा देखो टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर कर जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर क्या है ना आपको जो कैटेगरी से रिलेटेड है या फिर क्लास से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको वहां पर मिलती रहती हैं। ये कुछ देखो अनअकैडमी से जुड़ने के फीचर्स हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं, अपने घर से बैठकर अनलिमिटेड कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर्स आपको प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके यहाँ पर होते हैं, कवरेज सारा सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाता है, मेंटरशिप PDF आपको देखो यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज। दीज आर सम ऑफ दी फीचर्स जो कि आप अनअकैडमी से जुड़कर अगर उनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वहां पर ये मिलती हैं। ये देखो इनकी प्राइसिंग है और आप अनअकैडमी से जुड़कर इसको पर मंथली इस सब्सक्रिप्शन बेस पर अपना परचेस कर सकते हैं। जो डिस्काउंट कोड है वो आपको याद रखना है ROB10, ये डिस्काउंट कोड जरूर यूज कीजिएगा, इसी की हेल्प से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपने टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखो ये CUCET पार्ट ए का यहाँ पर आपको एजुकेटर्स दिख रहे हैं, जैसे कि इन एजुकेटर्स को आप फॉलो करके अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, जिसको लेकर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी की सारी क्लासेस आपको प्रॉपर अरेंज्ड वे में मिलेंगी। UGC साइंस का ये आपका यहाँ पर मिल रहा है CUCET के अंदर, आप इसको भी देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। हर वीक आपका 10 AM पर 2 घंटे का यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट होता है, उसके अंदर आप अपीयर कर सकते हैं। तो ये शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, ये कॉम्बो ऑफर है, इसको आप जरूर अवेल कर सकते हैं, जहां पर पार्ट ए पार्ट बी को आप अवेल कर पाएंगे। डिस्काउंट कोड बस आपको देखो मेल में याद रखना है, ROB10 का आपको कोड यूज करना है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैं यहाँ पर 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप वहां पर अपना आंसर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये हमारा कहाँ का है। ये हमारा 2021 के नवंबर मंथ का है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच यूनिवर्सिटी टॉप दी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड प्रेस्टिजियस रैंकिंग 2021, यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा या फिर विश्वविद्यालय रहा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश कीजिएगा अपने एंड से एंड देन उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, बताइए। देखो जो आपको यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ ना वो सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे जरूरी क्या होता है ना हमारी तैयारी के अंदर, हमें एक्चुअली ये भी आइडिया होना चाहिए कि करंट अफेयर की कौन सी न्यूज को हमें करना है। अगर हमें ये आइडिया ही नहीं होगा, ऐसे तो आपको पता है देखो डेली आपको पता नहीं कितनी न्यूज मिलती है, लेकिन पढ़ेंगे वो जो कि हमारे एग्जाम के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट होगा और अलग अलग सरकारी एग्जामों के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली हमारे इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो ये आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड प्रेस्टिजियस रैंकिंग के अंदर पहला स्थान मिला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, और अगर कल को पूछ लिया जाए कि हार्वर्ड कहाँ पर है, सभी को पता होगा दिस इज लोकेटेड इन अमेरिका, ऐसे सवाल आपके बनते रहते हैं, बट ऐसे भी याद रखना है जो इर्द गिर्द की जानकारी होती है ना उसको भी आपको देखो यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज अपॉइंटेड एज दी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन दी कंट्री ऑफ
ब्रुनाई। अब देखो ब्रुनाई देश में भारत का जो उच्चायुक्त है इसे में किसको नियुक्त करा गया। अब देखो होता है क्या, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आपको पता है हर कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी कि हर कंट्री की तरफ से एक राजदूत या फिर उच्चायुक्त तो हर कंट्री के अंदर आपका भेजा जाता है वहां पर, सो दैट के हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर इजीली बातचीतें कर सकें। इसी तरीके से क्या होता है ना, हर मंथ में आपको ऐसी दो तीन नियुक्तियां या फिर सरकारी नियुक्तियां या फिर अपॉइंटमेंट्स देखने के लिए मिलती रहती हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो पद होते हैं हाई कमिश्नर के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नवंबर के अंदर पहले ही वीक में ये न्यूज सामने आई कि जो कंट्री ऑफ ब्रुनाई है वहां पर भारत का हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। आपको इनका नाम बताना है, पोल आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर कीजिएगा अपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर, बताइए। ठीक है, तो देखो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है अलोक अमिताभ डिमरी। तो ऐसे जो नाम होते हैं ना अपॉइंटमेंट्स के, वो हमें देखो याद रखने हैं और इनके बीच में हमें कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलोक अमिताभ डिबरी। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर बात करी किसकी, ब्रुनाई की। एक चीज आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर कल को पूछी जाती है कि भाई कैपिटल क्या है ब्रुनाई की, तो ये आपको याद रखना है बंदेड़ सेरी। बंदेड़ सेरी इज द कैपिटल ऑफ द ब्रुनाई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश की करेंसी क्या है, क्योंकि करेंसी से रिलेटेड भी आपके यहाँ पर सवाल बनते रहते हैं, तो ब्रुनाई की आपको आगे लगा देना है बस डॉलर। तो ब्रुनाई डॉलर इज द करेंसी ऑफ द कंट्री ऑफ ब्रुनाई। और हाई कमिश्नर से रिलेटेड ही हमारा सवाल बना था, तो इसका मल्टी डायमेंशनल हमें अप्रोच पता रखना चाहिए क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखो इम्पोर्टेंट डेज, और इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड आपने देखा होगा कि अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर सीयूसीटी के अंदर भी आपसे इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड सवाल बनेगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि करंट अफेयर को करने का मतलब ये होता है हमें इम्पोर्टेंट डेज मिलते हैं, हमें बुक्स एंड ऑथर्स देखने के लिए मिलते हैं, हमें इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं हर एग्जाम्स के अंदर, और यही सारी चीजों को हम कवर भी करते हुए चलेंगे अपनी इस सीरीज के अंदर। तो YT के ऊपर मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज के अंदर करंट अफेयर वीकली वाइज लेकर चलूंगा। जैसे आज ही हमारा नवंबर मंथ का पहला क्लास है, 2021 है एक्चुअली, वो थंबनेल में 2021 नहीं लिखा है, 2020 लिख दिया था गलत से। तो 2021 का नवंबर मंथ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसको दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से लेकर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये पार्ट वाइज आएगा क्योंकि वीकली हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकालनी पड़ेगी ना, तो आपके लिए भी वो काफी सही चीज रहेगी। ठीक है, तो ये आपका पहले वीक के सवाल है। तो यहाँ पर आपको बताना था नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 31। अब देखो आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपका यूनिटी है वो हमारा गुजरात के अंदर उसको देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। अब उसका मेन पर्पज यही है जो कि कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा था हमारे देश के यूनिफिकेशन में, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल करवाने में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लें या फिर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लें और इस दिवस की बात करें, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, इसकी डेट आपको याद रखनी है क्योंकि कल को ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको जरूर याद रखिएगा, बन सकता है कल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशन बोर्ड लॉन्च दी वीर गाथा प्रोजेक्ट इन स्कूल्स। तो किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ये आपको बताना था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि किसने इसको लॉन्च किया। एक्चुअली देखो ये प्रोजेक्ट को भी आपको याद रखना है, वीर गाथा प्रोजेक्ट। अब देखो वही है करंट अफेयर में आपके कैसे सवाल बनते हैं, मान लो कि किसी एजेंसी ने, किसी सरकारी एजेंसी ने, किसी स्कूल बोर्ड ने या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट का नाम और किस राज्य ने उसको लॉन्च किया है और वो किसके द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा उसको लॉन्च करा गया, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट स्कीम्स या फिर कुछ भी ऐसे इनिशिएटिव्स, ये आपके सवाल के रूप में बनते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, वीर गाथा प्रोजेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर याद रखना है सीबीएसई, ठीक है, और सभी को पता है इसके बारे में, तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो इनके द्वारा ही वीर गाथा प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्कूल के अंदर लॉन्च किया गया। देखो हमें ये तो पता है कि किसने लॉन्च किया, लेकिन हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द एम बिहाइंड लॉन्चिंग सच प्रोजेक्ट्स और टेकिंग सच इनिशिएटिव्स इनटू अकाउंट। तो ऐसा प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे हम वीर गाथा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड और लॉन्च्ड बाई सीबीएसई, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वीरता वीर लोग हैं, यानी कि जो हमारे देश के अंदर हमने देखे वीरताएं वीर गाथाएं हमने देखी, उनके बारे में जागरूकता स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए कि देखो हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट लोग रहे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी वीरताओं के किस्से हमें सुनाने के लिए, हमारे अंदर देश भावना जागृत करने के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको याद रखना है, सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच मेट्रो वॉज अवॉर्डेड विद द अवार्ड ऑफ बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने आपसे कहा किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। अब मैंने आपसे कहा कि देखो चाहे मैं किसी एजेंसी की बात करूं, चाहे मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, उनके द्वारा जो भी काम करे जाते हैं उनसे रिलेटेड कभी कभी हमें मार्केट के अंदर रैंकिंग्स देखने के लिए मिलते हैं कि कौन जीता, हु इज द बेस्ट, इस तरीके के सवालों को लेकर हमें तैयार रहना है। सो आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस आपको बताना है कि वो कौन सी मेट्रो सर्विस है जिसको यहाँ पर दिया गया किसका अवार्ड, बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज का अवार्ड। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखो ऐसी जो रैंकिंग्स आती हैं और ऐसी स्पर्धाएं होती हैं, हमें इनको लेकर तैयार रहना है। यहाँ पर जो ये अवार्ड जीता, ये जीता दिल्ली मेट्रो ने। सो दिल्ली मेट्रो हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज अवार्ड। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच जापानीज सिटीजन हु सर्वाइव्ड द हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग, उनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे किस जापानी नागरिक का हाल ही में निधन हो गया। अब देखो आप बोलोगे कि सर ऐसा सवाल कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो कभी कभी ना कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं और उन हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर हमें कुछ ऐसे लोग देखने के लिए मिलते हैं जिनकी कुछ सिग्निफिकेंस रहती है, जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू देख भी पा रहे हो। आपको पता है हिरोशिमा बॉम्बिंग्स के बारे में, तो एक ऐसा जापानी सिटीजन जो कि उस हिरोशिमा बॉम्बिंग को सरवाइव कर गया था, अब अगर हाल फिलहाल में उनका देहांत हो गया तो हमारे लिए ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स को दोबारा से या फिर उसके बारे में दोबारा से एक चर्चा में लाने के लिए हमें ऐसे लोगों को लेकर अलग अलग एग्जाम्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि देश के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा नागरिक, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति, अगर उनका हाल फिलहाल में निधन हो जाता है तो हमसे ये सवाल पूछ ले जाते हैं कि दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि ये जो व्यक्ति है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इन्होंने किस क्षेत्र में काम किए हैं। तो ऐसी चीजों को आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इनका, तो ये आपके हैं सुनाओ तुजबोई, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सुनाओ तुजबोई, ही वॉज द वन हु सर्वाइव द हिरोशिमा बॉम्बिंग और इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021 ही डाइड। तो ये आपसे सवाल बन सकता है, तो इसको लेकर आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु वॉज अवॉर्डेड द ब्लैक स्वान अवार्ड फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगेन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड आपकी न्यूज बनती रहती है मंथली, और किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो वहां पर आपके ऐसे सवाल बनते रहते हैं जहां पर बात होती है कि हाल फिलहाल में दिए गए कोई सा भी अवार्ड किसको दिया गया, या फिर आपसे उस अवार्ड का नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि ये जो अवार्ड है वो दिए गई कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी से संबंधित है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लैक स्वान अवार्ड की, और ये दिया जा रहा है किसके क्षेत्र में, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में। तो कौन वो महिला है जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, आपके सामने पोल है, आई मीन ऑप्शन है, कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर करके मुझे बताइए। और देखो सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जब आप न्यूज को देखते हो, करंट अफेयर को पढ़ते हो, तो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक और चीज हो जाती है कि हम जो न्यूज पढ़ रहे हैं ना, अगर उसमें हमें कहीं पर भी वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट दिख गया, यानी कि वुमेन से रिलेटेड कोई वहां पर बात है, तो वो तो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, बताइए। तो देखो ये है रेणु गुप्ता जी, ठीक है। अब ये कौन है रेणु गुप्ता, ये है जो करनाल है, आपको पता है करनाल के बारे में, ठीक है, करनाल की ये मेयर है और इनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी जागरूकता भरे अभियानों को वहां पर चलाया,
महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और अलग अलग फील्ड में उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करी। तो रेणु गुप्ता द मेयर ऑफ करनाल शी वॉज अवॉर्डेड द ब्लैक स्वान अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड। तो किस सिटी को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया। तो अगेन देखो इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो ऐसी प्रतिस्पर्धाएं होती है ना, जहां पर हम बात कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के आधार पर देखने के लिए कि किसने सबसे अच्छा काम किया, तो आपको उस शहर के बारे में बताना है जिसको बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अवार्ड को दिया गया। तो आपके सामने कमेंट सेक्शन है, अपना आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, जो भारत सरकारें होती है ना, वो अलग अलग शहरों को, अलग अलग प्रदेशों को, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ना ऐसे अवार्ड्स देती हैं, सो दैट के एक तरीके से ना प्रतिस्पर्धा वाली फीलिंग हम वहां पर ला पाए और जो सर्विसेज हैं उसको हम इम्प्रूव कर पाए। इसी क्रम में अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो ये आपको दिखेगा, ओके, तो सूरत, सूरत इज द शहर जिसको यहाँ पर दिया गया बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड। ये आपको याद रखना है, सूरत यहाँ पर आपको याद रखना है, ऐसे सवाल बनते हैं तो प्लीज इनके लेकर तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे अधिक मूल्यांकन कंपनी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कौन बनी। अगेन वही कि अगर ऐसी न्यूज आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलती है जहां पर आपसे बोला जाता है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस वो कौन सी कंपनी है, या फिर कभी कभी आपसे इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के किसी वैल्यू को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, या फिर उनके बीच में कोई समझौता हुआ, काफी बड़ी डील हुई। तो जब हम न्यूज में ऐसी न्यूज देखते हैं कि भाई वहां पर हमें पूछा जाए किसी बड़ी कंपनी के बारे में कि उन्होंने क्या काम किया, किस दूसरी कंपनी के साथ वहां पर साझा किया, तो ऐसे सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी विश्व के अंदर कौन बनी, तो ये बन गई आपकी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी होगा करेक्ट। ये चीज आपको यहाँ पर जाननी है, टोटल मेरे ख्याल से इनकी जो वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 2.46 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट बिकेम दी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन बन गए। नवंबर के अंदर जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनको ऐसी न्यूज़ों में काफी इंटरेस्ट रहता ही रहता है, बट स्टिल आप इसको सवाल के रूप में अपने एग्जाम के अंदर जरूर मिल सकता है आपको। आपको पता है जो ये स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स होते हैं वहां से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं कि हाल फिलहाल में किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा हो, या फिर हाल फिलहाल में किसी ने कोई खिताब जीता हो, तो वो सवाल आपके बनते हैं और हर स्पोर्ट्स से आपके पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, बताइए कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक द 100 विकेट्स इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। बताइए बताइए इसका आंसर बताइए मुझे। तो आंसर हो जाएगा इसका राशिद खान। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस राशिद खान विल बी द करेक्ट आंसर, हु हैज टेकन 100 विकेट्स इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऐसे सवाल बनते हैं, आपको तैयार रहना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच स्टेट टॉप्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शासन में प्रदर्शन के लिए कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा। मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग कैटेगरी के अंदर परफॉर्मेंस से रिलेटेड उनकी रैंकिंग्स या फिर किसने टॉप किया कौन से एरिया में, ये भी याद रखना है। तो कभी इसके अंदर ऐसे कंफ्यूजन मत रख लेना कि कहीं और किसी राज्य ने किसी और कैटेगरी के अंदर किया है और आप वहां पर किसी और राज्य का नाम लगा दो। सो आंसर बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। हम बात कर रहे हैं किसकी, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक अफेयर्स, इस कैटेगरी के अंदर किस राज्य ने टॉप किया, ऑप्शन या फिर कमेंट सेक्शन आपके सामने है और कोशिश कीजिए मुझे बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो मोस्टली अगर हम देखें भी और हमें कभी तुक्का मारने का भी मौका मिले तो हम वहां पर हमेशा आंसर कर सकते हैं केरला। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही मार्क करना है, आपको क्लैरिटी भी रखनी है कि आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हो। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक अफेयर्स। अभी देखो ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पर कोई किसी
किसी कोई आया और उसने ऐसे देखकर बोल दिया कि देखो इन द पार्ट ऑफ द पब्लिक अफेयर्स और उनके अंदर गवर्नेंस अपने यहाँ पर चलाने की परफॉर्मेंस में जो केरल है वो हाईएस्ट है, ऐसा बोल दो। नो, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जहां पर आपको मल्टीपल फैक्टर्स के आधार पर वहां पर पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड आउट ऑफ द टोटल पॉइंट्स का काउंटिंग आपको वहां पर पता चलता है कि किस राज्य ने अलग अलग फैक्टर्स पर अपने राज्य के अंदर इन कैटेगरीज के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। तो उनके टोटल सम के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सा राज्य वहां पर हमें नजर आया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है केरला, जहां पर इन्होंने क्या किया, टॉप किया इन विच कैटेगरी, इन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नेंस इन पब्लिक अफेयर्स। तो यहाँ पर आपको केरला याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। तो देखो, मैंने आपसे बात करी अपॉइंटमेंट की, और वो अपॉइंटमेंट का पद कौन सा है, डायरेक्टर का। तो राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस किसे नियुक्त किया गया। अगेन वही मैं आपसे बोलूंगा बात, मार्केट के अंदर और सोसाइटी के अंदर अगर आपको कभी भी किसी भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको एकदम तैयार रहना है। और ऊपर से कोई एक ऐसी एजेंसी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो याद रखना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनडीसीपी की, जिसे हम नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी बोलते हैं। तो इसके डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया, विकल्प आपके सामने है, कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे वही बात बोल रहा हूँ, हमारे हर करंट अफेयर के सेशन के अंदर ना जो आपको चीजें मिलेंगी वो आपकी इस तरीके की होंगी कि आपको सारे ही सेक्शंस उसके अंदर कवर कराए जाएंगे। देखो, अभी तक हमने कितनी चीजें डिस्कस कर ली हैं, हमने इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर कवर करा है नवंबर के अंदर, हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करी हैं, हमने यहाँ पर राज्यों के जो रैंकिंग्स आती हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया है, हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किया है, हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड यहाँ पर सवाल देखा है। तो हर चीजों को मैं मिक्स रूप में आपको इन मंथली वाइज करंट अफेयर्स सेक्शंस के अंदर कवर कराऊंगा, तो आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनडीसीपी यानी कि नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नियंत्रक यानी कि निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर राहुल गुप्ता, ही इज अ अमेरिका बेस्ड डॉक्टर, और इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट। सो आज के सेशन में इतने रहने देते हैं, आज का सेशन छोटा था, लेकिन मैं आपका ऐसे सेशंस और भी आगे ऐड करने वाला हूँ। कल मंडे है, कल के दिन मैं आपका यहाँ पर और थोड़ा सा लेंथी सेशन लेकर आऊंगा, जहां पर हम मंथ वाइज अपनी इस करंट अफेयर के सेशन को लेकर चलेंगे। इसके अलावा देखो, अनअकैडमी के ऊपर मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती हैं, जो कि सभी के लिए ना फ्री क्लासेस होती हैं। तो इन फ्री क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर आपको सारी ही चीजें पढ़ाता हूँ, चाहे मैं वहां पर आपसे हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें आपको जो पार्ट ए का एग्जाम है उसको लेकर मैं आपको तैयार कराऊंगा। बैचेस के अंदर आप ये सारी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी प्रोफाइल सर्च करिएगा, आपको लिखना है रॉबिन शर्मा, एंड देन आप वहां पर जाकर मेरी प्रोफाइल पर जो फ्री क्लासेस हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और उसके बाद आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अनअकैडमी पर आपको स्पेशल क्लासेस के फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको रियल टाइम एजुकेटर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आप अपने क्वेश्चंस एजुकेटर से पूछ सकते हैं, आप पोल के थ्रू अपने आंसर्स दे सकते हैं, जो कि अभी हम अपने इस वाइटे सेशन के अंदर कमेंट्स में कर रहे थे, वहां पर आप पोल के थ्रू अपने आंसर कर सकते हैं। वहां पर लीडर बोर्ड शेयर करा जाता है, जहां पर आपको पता चलता है कि आप कौन सी जगह पर हैं। इसके अलावा देखो, ये अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई भी बग नजर आते हैं तो आप उनको रिपोर्ट करके यहाँ पर कुछ कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सभी लर्नर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी भी वीडियो के अंदर अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट यूज हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही, मेरी तरफ से थैंक्स अ लॉट। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ को, सारे लिंक्स इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा देखो, वही जो आपको डिस्काउंट लेना है, सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, तो ROB10 का आप कोड यूज कर सकते हो। बाकी हमारा जो YT का सेशन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और मंथ वाइज अपनी इस करंट अफेयर की सीरीज को एक एक करके हम आगे लेकर चलेंगे। सो आज के हमारे सेशन में इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए। मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूं, अगर आप में से किसी का कोई यहां पर डाउट हो। सो लेट मी जस्ट चेक, अगर आप में से कोई कुछ मुझसे पूछना चाहता है, मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन आंसर कर रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कल
कशिश, संध्या, सृष्टि सभी लोग जुड़े हुए थे, काफी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे थे बनी। ओके ठीक है, बायोलॉजी लर्नर, ठीक है। सो इट वॉज अ गुड सेशन, अगर आपको पसंद आया है तो आप इस सेशन को फॉलो कीजिएगा आगे चल के। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, और ठीक है मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन के अंदर। थैंक्स अ लॉट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।